टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी, जिन्होंने कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का खिताब अपने नाम किया। और अब आपको बता दें कि एक कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया। जी हां दोस्तों, महज 37 वर्ष की उम्र में दिव्यांका त्रिपाठी इस दुनिया को अलविदा कह गए। जी हां दोस्तों, दिव्यांका त्रिपाठी ने वैसे टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही कम धारावाहिक में काम किया है, पर जिन भी धारावाहिक में दिव्यांका त्रिपाठी आई उस धारावाहिक की टीआरपी हमेशा ही नंबर वन पर रही, जैसे कि ये है मोहब्बतें। जी हां ना, जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी ने ये है मोहब्बतें से डेब्यू किया था और इस धारावाहिक में उन्होंने काफी वर्षों तक काम भी किया। दोस्तों आपको जानकर ये बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि दिव्यांका त्रिपाठी अपने हस्बैंड के साथ गाँव गई हुई थी और वहां से वापस लौटते हुए उनके कार का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया और पुलिस केस भी हुआ। इसके बाद बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी का निधन हो चुका है, इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आई। हालांकि ये खबरें पूरी तरीके से झूठी थीं, क्योंकि इसकी पुष्टि न उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा की गई और ना ही किसी बड़े सेलिब्रिटी के द्वारा। फिलहाल आपको बता दें कि जो लोग भी दिव्यांका त्रिपाठी के फैन थे, वो दंग रह गए थे कि आखिर कैसे दिव्यांका त्रिपाठी इतनी कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। अगर आप भी दिव्यांका के फैन हैं तो कमेंट में आए और गेट वेल सून जरूर लिख दीजिए, क्योंकि छोटा सा फ्रैक्चर होने के बाद भी दिव्यांका त्रिपाठी पूरी तरीके से ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो एक नए धारावाहिक में एंट्री करें, तो कमेंट में गेट वेल सून लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस वीडियो का बनाने का असली मकसद यही है। अगर आपने भी इस तरीके की जानकारी को देखा या सुना है, तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।